प्रिया कैसेट प्रेजेंट। अरे नारे प्रेम जबैया कमान जाए और दिल्ली से घरे लौट के आए तो अम्मा तो मोघाएं देखते बहु अजेब घाएं देखते अम्मा तो जब देखती है कि अम्मा वाला थक तो ना आएगा और बहु जब देखते माल कितो है जेब में जब तक जेब वो चकी वो चकी मालम पत्र है तब तक बिना मांगे पानी मिल जाए बिना मांगे रोटी मिल जाए भोजन खवा दी जाती है हवा कटती जाती है मना के बहू के भोती जाती है तो मैं बतला माई मंडल कमल के छोटे गए सम्मान करती थी। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे महाराज परीक्षित, जब का इसका मतलब था, अब बात बिल्कुल सही है भैया, बिना मतलब के कोई किसी का काम नहीं करता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई सही हाँ। भैंस को तब तक सानी दी जाते हैं जब तक दूध देते हैं, क्यों? अरे मतलब के बिना और कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा,
तक की पहलो चलावे हल में तब तक की डाले चारा। जब तक की पहलो चलावे हल में तब तक की डाले चारा। इस दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी का काम नहीं करता। महाराज हरिश्चंद्र से साफ इनकार कर दिया, मैं तुम्हारा घड़ा उठवा नहीं सकती। हां एक युक्ति बता सकती हूं, जल में घुस जा, घड़े को भर लेना, जल में कोई भी भारी वस्तु हल्की हो जाती है, उठा लेना। आज हरिश्चंद्र ने वही किया, जल में घुस गए, गगरिया को उठाया और जैसे ही लेकर के चले, लेकिन दुर्बल शरीर हो चुका था, वो गगरिया गिरी और वहीं पर गगरिया फूट गई। खाली हाथ लौट करके हरिश्चंद्र घर पे पहुंचे। उसी समय कहा है कालू ने, क्यों हरिश्चंद्र गगरिया कहाँ है? बोले भगवान वो तो फूट गई। अरे कैसे फूट गई, कुछ खाते नहीं हो? बोले भगवान 26 दिन हो गए मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा है। दुकानदार से पूछा, कहा ये भोजन ले जाता है? बोले ले जाता है, लेकिन ये इतना दयावान है, कोई भी अगर इसे भूखा मिल जाए तो अपना भोजन उस भूखे को खिला देता है। का हरिश्चंद्र अब तुम जल नहीं, कंबल ले जाओ, लाठी ले जाओ और मरघटिए का काम करो। मरघट में जाकर के समय पता नहीं परीक्षित महाराज क्या से क्या करवा दे। आप राजा हो भिखारी बन जाओ और भिखारी हो तो राजा बन जाओ, समय की कोई पता नहीं है। मेरी तो एक बात समझ में आती है, अरे जहाई कोई झूठ न मानो और हो
समय बड़ा बलवान होता है। आज महाराज हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए। कहां राजा आज नौकरी कर रहा है, वो भी मरघटिए की। राजा हरिश्चंद्र मरघट में है। एक दिन इधर ब्राह्मण ने रानी तारा से कहा, तारा तेरा पुत्र कहां है, उसे भेजो और बाग से पुष्प लेकर के आए, मेरी पूजा का समय हो गया है। पुत्र रोहितास को बुलाया, उसी समय के मात की बातन में डलिया तन में और कुमार चलो करके उस पुत्र की अंगुली में खा लिया। मैया मैया कह करके बोला, जमीन पर गिर गया। इधर विश्वामित्र ने गांव में आवाज लगाई है, किसी का लड़का बाग में गया था, उसे सर्प ने खा लिया है। मैया रोने लगी, मेरा ही बेटा गया था, मेरा ही बेटा गया था। ब्राह्मण से कहा, भगवान मुझे आज्ञा दे दो, हम अपने पुत्र के पास जाएंगे, उसे लेकर के आएंगे। दांती को पीस करके ब्राह्मण कहने लगे, भोजन बना लो, भोजन बनाओ, पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, भगवान को भोग लगाओ, तब जाना, उससे पहले नहीं। आज रानी काम करती जा रही है, रोते रो रही है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि पराधीन सपने सुख नाई और कर विचार देखो मन माई। रोती जा रही है बेचारी, काम करती जा रही है, भोजन बना दिया, भगवान को भोग लगा दिया, कहा अब चली जाऊं, बोले हाँ चली जा, मर गया हो तो उसे लेके मत आना, वहीं फेंक आना। आज वो चली दुखियारी, अपने बच्चे की लाश को ढूंढ रही है। जाकर के जब पुत्र के पास पहुंची, गोदी में अपने पुत्र की लाश को रख लिया और कहा, लाला क्या हुआ, क्या हुआ लाला। आज वो मैया कहने लगी, पुत्र बेटा इस
दुखिया मैया को अब किन पे छोड़े जाते हो। आए धर्म के बंदा बन करके मैया मजदार रोहितास। रोहितास कहने लगा, मैया मेरे पास ज्यादा स्वास्थ्य नहीं है, थोड़ी बात में सब कुछ कहना चाहता हूं। तो कसो की जो कछु कहरी सो मैया को चाहता हूं। मैया बोली, लाला तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन रोहितास बोला, मैया मेरी माता धर्म को रखियो हर पल ध्यान। इतनी कही रोहितास कुमार ने छोड़े बेटा बेटा बेटा, लेकिन उसे कोई भीड़ बंधाने वाला भी नहीं था। अपने पुत्र की लाश को गोदी में रखा और कहने लगी, लाला ये क्या हुआ। अरे मोह पे मोह धरे